जनपद संभल में भाकुई ने तीन कानून बिल के विरोध में जाम लगाते हुए पीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम और एसएसपी को सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के भवानीपुर पुल का है, जहां पर आज किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद के समर्थन में भाकुई अराजनैतिक ने जाम लगाते हुए एसडीएम और एसएसपी को पीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगें पूरी करने की मांग की, जिसमें तीन कृषि काले कानून बिल को वापस लेने की मांग की गई। तरफ से भारत बंद का आह्वान था, आप लोगों ने यहाँ जाम लगाया और अभी आपने ज्ञापन दिया, एडीएम साहब को क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लगभग 9 से 10 महीने हो गए दिल्ली में हमारे लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं और लगभग 1000 के आसपास किसान वहाँ मारे जा चुके हैं, जिन्हें हम वीरगति और शहीद कहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे और जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं वो तीनों जो कृषि कानून है जो किसान विरोधी हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें वापस ले, और क्योंकि उनसे किसानों को बहुत बड़ी हानि है, उद्योगपतियों का पूरा राज हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, ज़मीनें छीनने की भी नौबत आ सकती है। ये चाहते हैं कि सरकार हर प्रकार से, जिस प्रकार गन्ने की और फसलों की भी खरीद होती है, सभी फसलों की कम से कम 21 से 22 फसलों की जो खरीद है वो पूरी तरह से एमएसपी पर होनी चाहिए, जिससे कि जो कि किसानों की रीढ़ है, जिन फसलों से नकदी फसलें कहलाती हैं, जिन फसलों से किसान खुशहाल होता है, उनकी पूरी तरह से एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए।